हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस रावत की रसोई में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रबड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर दूध लेना है पैन में, और इसे हमें गरम कर लेना है फास्ट गैस में। जैसे ही दूध गरम हो जाए हमें गैस को स्लो करना है, और साथ ही हमें चलाते हुए इसे पकाते रहना है। और हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी 1/3 ना हो जाए। तो हमें लगातार इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। सो आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो रबड़ी है वो अच्छे से पक गई है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है। सो हमारी अब रबड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसे इस क्वांटिटी में लाने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह दूध को गाढ़ा कर लेना है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच शक्कर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी फ्रेंड्स आप अपने स्वाद के अनुसार मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी है वो बहुत ही दानेदार और अच्छी गाढ़ी बन गई है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट, और यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता और थोड़े से काजू कट किए हैं बहुत छोटे छोटे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको रबड़ी बनाते वक्त बिल्कुल भी रुकना नहीं और कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। सो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। और आप इसे ठंडा या गर्म दोनों वे से खा सकते हैं। अगर आप ठंडा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख के थोड़ी देर ठंडा करके फिर आप इसे खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो रबड़ी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दानेदार बनी है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह इसे ट्राई करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। सो फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर आप गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू या पिस्ता, जो भी आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रबड़ी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।